हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लास। मेरा नाम है रुचि तिवारी। एमपी की इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे डिविजन्स ऑफ एमपी। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले उज्जैन डिवीजन के बारे में जाना और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भोपाल डिवीजन। यदि मध्य प्रदेश के मैप में भोपाल डिवीजन की लोकेशन देखी जाए तो यह मध्य प्रदेश के लगभग मिडिल में लोकेटेड है। भोपाल डिवीजन के अंतर्गत 5 जिले भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन व राजगढ़ शामिल हैं। सबसे पहले मैप में हम यह देखते हैं कि भोपाल कहाँ लोकेटेड है। सिंस भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है तो भोपाल से बाउंड्री शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानना भी जरूरी है। सो मैप में हम क्लियरली देख सकते हैं कि भोपाल के नॉर्थ में गुना डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्ट में विदिशा है, ईस्ट में रायसेन है, साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट में सीहोर डिस्ट्रिक्ट है और नॉर्थ वेस्ट में राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है। एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल की सीमा किस जिले से लगती है या किस जिले से नहीं लगती है, तो ऐसे केसेस में सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले यदि भोपाल की हिस्ट्री की बात की जाए तो लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास मालवा क्षेत्र में परमार वंश का शासन था, जिसके महान प्रतापी राजा राजा भोज ने भोजताल की स्थापना की, जिसे वर्तमान में भोपाल के नाम से जाना जाता है। भारत की आज़ादी के पहले भोपाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था, परंतु 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय भोपाल को भारतीय संघ में शामिल किया गया और ये सीहोर जिले की एक तहसील के रूप में था। देन 13 सितंबर 1972 को भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। अब यदि मैं भोपाल की ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करूं तो सेंसस 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की मोस्ट अर्बन पॉपुलेशन अर्थात सर्वाधिक शहरी आबादी भोपाल में निवास करती है, साथ ही संपूर्ण मध्य प्रदेश की सर्वाधिक महिला साक्षरता भी भोपाल की ही है, जो कि लगभग 76.6% है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व, जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या से आंका जाता है, वो भी भोपाल में सर्वाधिक है, जो कि लगभग 855 अर्थात 855 है। इसके अलावा 1982 में भोपाल में IIFM अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। साथ ही भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। जब भी आप भोपाल में घूमने जाएंगे तो आप लिखा हुआ देखेंगे कि आपका सिटी ऑफ लेक्स में स्वागत है। तो भोपाल में लेक्स की संख्या बहुत ज्यादा है, सो इसी आधार पर भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। अब यदि भोपाल की में होने वाली इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की बात करूं तो भोपाल में 1960 में ब्रिटेन की सहायता से भेल अर्थात भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। साथ ही भोपाल के निशांतपुरा में रेलवे कोच फैक्ट्री की भी स्थापना की गई है, जहां पर रेलवे के डिफरेंट पार्ट्स का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा 1965 में भोपाल में राज्य का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात औद्योगिक विकास निगम की भी स्थापना की गई। साथ ही 2007 में इसरो के द्वारा MCF अर्थात मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर एवं उपग्रह नियंत्रण केंद्र घोषित किया गया है। कुछ अदर फैक्ट्स की यदि बात करूं तो भोपाल में सन 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो ये संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर भारत भवन भी है। साथ ही साथ भोपाल में एशिया की सबसे बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अर्थात जिला अदालत है। इसके अलावा यहाँ पर जेल रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर एवं एग्री इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी उपस्थित है। यदि भोपाल में मैं टूरिस्ट प्लेस की बात करूं तो यहाँ पर ताजुल मस्जिद, जो भारत ही नहीं अपितु एशिया की सबसे बड़ी बैठक क्षमता के आधार पर मस्जिद है। इसके अलावा यहाँ पर मोती मस्जिद, सदर मस्जिद आदि मस्जिदें भी हैं। साथ ही यहाँ पर वन विहार नेशनल पार्क भी है, जिसे मॉडर्न जू के नाम से भी जाना जाता है। बिरला टेम्पल अदर टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावा यहाँ पर दुष्यंत कुमार पांडुलिपि भी उपलब्ध है। देन भारत का पहला डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अर्थात आपदा प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में ही स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत की एकमात्र हाई सेंसिटिव एनिमल डिसीज लेबोरेटरी भी भोपाल में ही खोली गई है। मध्य प्रदेश का एकमात्र एम्स अर्थात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी भोपाल में ही स्थापित किया गया है।
मध्य प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो भी भोपाल में ही खोला गया था। मध्य प्रदेश में हिंदी विश्वविद्यालयों की सर्वाधिक संख्या भी भोपाल जिले में ही है। भोपाल जिले में ही नरोन्हा प्रशासनिक एकेडमी की स्थापना की गई है, जहां राज्य सेवा परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा भोपाल में वर्ष 2009 में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर भी खोला गया है। भोपाल में राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध ऐशबाग स्टेडियम भी स्थित है, साथ ही यहां सोया बिस्किट फैक्ट्री व मैदा मिले भी हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में देश का पहला मॉडल ब्लड बैंक भी खोला गया है। साथ ही राज्य में तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति करने के उद्देश्य से भोपाल में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। इसके अलावा भोपाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के कई एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोले गए हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है परंतु इसका एक रीजनल ऑफिस भोपाल में भी उपस्थित है। भारत का पहला एनवायरमेंटल कोर्ट अर्थात पर्यावरण न्यायालय भी भोपाल में ही खोला गया है और 2006 में भोपाल में ही देश का पहला सेलिंग स्कूल भी खोला गया है। अब यदि भोपाल की कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो इसके अंतर्गत बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी एवं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा भोपाल में कुछ टूरिस्ट प्लेसेस की यदि मैं बात करूं तो यहां नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, वन विहार नेशनल पार्क, गौहर महल, कमला पार्क, बिरला टेम्पल, मछलीघर व सामसगढ़ एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है। परमार वंश के पतन के पश्चात सन 1708 से 1740 तक भोपाल में दोस्त मोहम्मद खान ने शासन किया एवं दोस्त मोहम्मद खान ने ही भोपाल की पुनर्स्थापना की। देन जैसा कि मैंने बताया कि भोपाल की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है और इस ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम के द्वारा करवाया गया था। साथ ही जिस प्रकार भोपाल में कंट्री की सबसे बड़ी मस्जिद उपस्थित है, उसी प्रकार भोपाल में ही देश की सबसे छोटी मस्जिद भी उपस्थित है, जिसे ढाई सीढ़ी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में स्नेक पार्क भी खोला गया है। साथ ही भोपाल में हैंडीक्राफ्ट का कॉरपोरेशन अर्थात हस्तशिल्प निगम भी उपस्थित है। भोपाल में मध्य प्रदेश की एकमात्र रामसर साइट भोज वेटलैंड भी है। साथ ही भोपाल में राज्य का एकमात्र रीजनल साइंस सेंटर अर्थात क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भी स्थित है। इसके अलावा भोपाल में देश का पहला सेल रिच ऑर्गेनिक मैन्योर प्लांट अर्थात सेल रिच कार्बनिक खाद संयंत्र भी खोला गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोपाल को सात पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर कहा जाता है और भोपाल चारों ओर से श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, कटारा हिल्स, दानिश हिल्स, वंटरी हिल्स जैसी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, जिसकी एक ब्रांच भोपाल में भी खोली गई है। प्रसिद्ध बिरला मंदिर को लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल में स्थित वल्लभ भवन राज्य का सचिवालय है, साथ ही राज्य के विधानसभा भवन को इंदिरा गांधी विधान भवन भी कहा जाता है। वर्ष 1984 में दो तीन दिसंबर की रात को भोपाल गैस ट्रेजेडी अर्थात भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें एक अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट अर्थात मिक गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से काफी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इस गैस के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए अर्थात खत्म करने के लिए भोपाल में ऑपरेशन फेथ चलाया गया था। अगला जिला है सीहोर। तो सबसे पहले हम मैप में सीहोर की लोकेशन देखते हैं। तो जैसा कि मैप में हम क्लियरली देख सकते हैं कि सीहोर मैप में इस जगह पर लोकेटेड है। सीहोर के उत्तर में राजगढ़ अवस्थित है, जबकि इसके उत्तर पूर्व में भोपाल जिला अवस्थित है। सीहोर की पूर्वी सीमा रायसेन व होशंगाबाद से लगती है तथा इसकी दक्षिणी सीमा हरदा व देवास से लगती है। सीहोर के पश्चिम में देवास अवस्थित है, साथ ही इसके उत्तर पश्चिम में शाजापुर अवस्थित है।
सीहोर के हिस्टोरिकल फैक्ट्स की यदि बात की जाए तो सीहोर का प्राचीन नाम सिद्धपुर था तथा मध्य प्रदेश के निर्माण के पहले इसे निज़ाम ए मशरिफ के नाम से जाना जाता था। सीहोर के बुधनी से पान गुडरिया नाम का अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के सीहोर से सारू मारू की प्रसिद्ध गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं, जिनसे प्राप्त अशोक के अभिलेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि अशोक के पुत्र एवं पुत्री सीहोर भ्रमण पर आए थे। मध्य प्रदेश के मंगल पांडे नाम से प्रसिद्ध चैन सिंह सीहोर से संबंधित थे, इसलिए वर्तमान में चैन सिंह की समाधि भी सीहोर में ही है। देन मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध पार्वती नदी का उद्गम भी सीहोर की आष्टा तहसील से हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर कोलार नदी भी प्रवाहित होती है, जिस पर कोलार वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट भी बनाया गया है। यदि मैं कुछ सीहोर की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की बात करूं तो सीहोर में भोपाल शुगर मिल भी है। इसे नाम से कंफ्यूज मत करना, भोपाल शुगर मिल भोपाल में नहीं है बल्कि यह सीहोर में है। इसके अलावा यहाँ पर बुधनी में रेलवे स्लीपर फैक्ट्री भी उपस्थित है। देन यदि मैं कुछ अदर फैक्ट्स की बात करूं तो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध सलकनपुर मेला भी सीहोर में ही प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। साथ ही देश का पहला रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल अर्थात आवासीय खेल विद्यालय भी सीहोर में ही खोला गया है। साथ ही यहां पर सिद्ध गणेश मंदिर भी अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया था एवं पेशवा बाजीराव के द्वारा इसका पुनरुद्धार करवाया गया था। सीहोर में ही ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर भी उपस्थित है। साथ ही मध्य प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी सीहोर के बुधनी में ही है। अगला जिला है विदिशा, और विदिशा को हम मैप में इजीली लोकेट कर सकते हैं। साथ ही मैप में हम यह भी देख सकते हैं कि विदिशा के उत्तर में अशोक नगर, साथ ही इसके पूर्व में सागर, दक्षिण में रायसेन, दक्षिण पश्चिम में भोपाल, पश्चिम व उत्तर पश्चिम में गुना जिला अवस्थित है। विदिशा के इतिहास की बात की जाए तो विदिशा का प्राचीन नाम भेलसा, महामालिस्तान व बेस नगर था। बेस नगर कई बौद्ध, जैन व ब्राह्मण साहित्यों में प्रसिद्ध था। 1952 में भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम बेस नगर से विदिशा में परिवर्तित किया। साथ ही बेस नगर अर्थात विदिशा से ही हेलियोडोरस का प्रसिद्ध गरुण स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। हेलियोडोरस एक प्रसिद्ध यूनानी शासक था। ऐसा माना जाता है कि विदिशा की एक प्रसिद्ध कन्या जिसका नाम देवी या महादेवी था, उससे अशोक का विवाह हुआ था और इस आधार पर विदिशा को अशोक का ससुराल माना जाता है। देन विदिशा के कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की बात करूं तो विदिशा से हलाली नदी प्रवाहित होती है और इस आधार पर इस नदी पर हलाली डैम प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, और साथ ही इसके जलाशय को सम्राट अशोक सागर जलाशय भी कहा जाता है। विदिशा संपूर्ण मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चना उत्पादन करने वाला जिला भी है। साथ ही स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होने के कारण यहाँ पर कई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी लगाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर वेजिटेबल घी का उत्पादन भी किया जाता है। कुछ अदर फैक्ट्स की बात करूं तो विदिशा में उदयगिरी गुफाएं भी अवस्थित हैं, जो कि गुप्तकालीन है। साथ ही यहाँ नीलकंठेश्वर मंदिर एवं ग्यारसपुर का माल देवी मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। विदिशा में प्रतिवर्ष मनोरा मेला का भी आयोजन किया जाता है। विदिशा में ही सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला गया है। इसके अलावा यहाँ की कुरवाई मंडी भी राज्य में प्रसिद्ध है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र के बारे में स्पष्ट वर्णन मिलता है, और ये अग्निमित्र विदिशा के शुंग वंश के एक महान राजकुमार थे। इसके अलावा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के समय कोटा जिले से प्राप्त सिरौंज तहसील को विदिशा में ही शामिल किया गया था। साथ ही विदिशा के उदयगिरी से हमें वीरसेन शैव का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, व जैन तीर्थंकर शीतलनाग की जन्म स्थली भी विदिशा ही है। अगला जिला है रायसेन। जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं कि रायसेन मध्य प्रदेश के लगभग मध्य भाग में अवस्थित है। रायसेन की उत्तरी सीमा विदिशा व सागर से लगती है,
जबकि इसकी पूर्वी सीमा सागर से लगती है। साथ ही इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा नरसिंहपुर से लगती है व इसकी दक्षिणी सीमा होशंगाबाद से लगती है। रायसेन के पश्चिम में सीहोर अवस्थित है, जबकि इसके उत्तर पश्चिम में भोपाल जिला अवस्थित है। रायसेन में मध्य प्रदेश के दो महत्वपूर्ण विरासत स्थल अवस्थित हैं, पहला सांची स्तूप एवं दूसरा भीमबेटका। रायसेन की मृगेंद्रनाथ गुफाएं भी काफी प्रसिद्ध हैं। विश्व का सबसे लंबा शिवलिंग, जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट है, वह रायसेन के भोजपुर में अवस्थित है। इसी कारण से भोजपुर को पूर्व का सोमनाथ भी कहा जाता है। अब यदि मैं कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की बात करूं, तो रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। साथ ही रायसेन में रातापानी अभ्यारण्य भी है, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि रातापानी सेंचुरी एकमात्र ऐसी सेंचुरी है जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। देन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के अंतर्गत देखा जाए तो रायसेन एक औद्योगिक महत्व का जिला है। रायसेन के अंतर्गत आने वाला मंडी द्वीप मध्य प्रदेश का दूसरा महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया है। साथ ही यह मंडी द्वीप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए काफी प्रसिद्ध है। रायसेन में हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट फैक्ट्री भी स्थापित की गई है, जो एशिया की सबसे बड़ी ग्रेफाइट फैक्ट्री है। साथ ही रायसेन के मंडी द्वीप में ही भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भी लगाया गया है। देन रायसेन में सांची अवस्थित है। सांची बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थान है, जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था। सांची से ही हमें सांची अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसके तहत हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है, और हाल ही में सांची में एक बुद्ध म्यूजियम भी प्रपोज्ड किया गया है। लेट्स हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट भीमबेटका एंड सांची। सो भीमबेटका मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत का एक प्री हिस्टोरिकल प्लेस अर्थात प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। भीमबेटका की गुफाएं पांडव कालीन है, साथ ही नियोलिथिक एज अर्थात नवपाषाण काल की यहां पर लगभग 600 गुफाएं उपस्थित हैं। भीमबेटका अपने रॉक शेल्टर अर्थात शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि इमेज में दर्शाया गया है। भीमबेटका को वर्ष 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। देन सांची, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची स्तूप एक ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थान है। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में सांची स्तूप का निर्माण कराया था और 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सांची को शामिल किया गया था। सन 2012 में सांची में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी अर्थात बौद्ध विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है और वर्तमान में सांची बौद्ध के एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले अंतिम जिला राजगढ़ की। जैसा कि मैप में हम देख सकते हैं कि राजगढ़ राजस्थान की सीमा से लगा हुआ एक जिला है और राजगढ़ के उत्तर में राजस्थान, उत्तर पूर्व में गुना, पूर्व में भोपाल, दक्षिण पूर्व में सीहोर व दक्षिण में शाजापुर जिला लगे हुए हैं। साथ ही राजगढ़ की पश्चिमी सीमा आगर मालवा से लगती है। राजगढ़ जिले की एज सच कुछ डिटेलिंग है नहीं, सो यहाँ पर कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि राजगढ़ में सबसे प्रसिद्ध नरसिंहगढ़ सेंचुरी है। इसके अलावा यहाँ पर चिड़ी खो लेक, जामुन खो एंड अधियार खो भी है। राजगढ़ में पार्वती एवं घग्गर नदी प्रवाहित होती है। साथ ही नरसिंहगढ़ को कश्मीर ए मालवा अर्थात मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है। भारत का पहला मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला जिला भी राजगढ़ ही है। राजगढ़ के यदि टूरिस्ट स्पॉट की बात की जाए तो यहाँ पर नरसिंहगढ़ फोर्ट, गिन्नौरगढ़ फोर्ट, खोयारी महादेव मंदिर आदि प्रसिद्ध है। गिन्नौरगढ़ फोर्ट अपने तोतों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर ब्यावरा माड़ू नेशनल हाईवेज के इंटरसेक्शन हेतु प्रसिद्ध है। So guys, if you like this video, hit the like button, do subscribe and share it with your friends and other aspirants. Thank you.